गाइस हम लोग जा रहे हैं साइड मेटियोर 350 क्या जबरदस्त कलर है। रिवी सिंह में ये वाला तकरीबन ये मॉडल था इनफील्ड का। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अहमर, आप सब लोगों का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल UP81 फिल्म्स पे। देख रहे हो क्या बढ़िया नज़ारा हो रहा है, क्योंकि आज हम बुलेट को लेके जा रहे हैं, इसमें काम कराएंगे। ठीक है, ये रही हमारी एनफील्ड। क्या इशू आ रहा है देखूं तो ज़रा। उस दिन तो सब चल रहा था, आज कैसे नहीं चल रहा। लाओ इसी को दिखा के लाते हैं। ये आ गए हम लोग गाइस यहाँ पे, यहाँ सारी बाइक्स ठीक होती हैं अपनी खड़ी है। एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स मेनली। अब ये बैटरी खोली है इसकी, चेक कर रहे हैं। वैसे मुझे पता चला आज बैटरी कल इसमें डल गई थी, कल डलवाई थी इसके अंदर बैटरी नई। एम अराउंड की बैटरी पड़ी हुई है। ये नहीं चल रहा है, अटक भी गया है यहाँ पे आके। अभी देखो क्या करते हैं, इसके अंदर कर तो रहे दोनों भाई। सही चला 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 चल रहे बेहतरीन गाने। ये तो सही है यार, स्कूटर ये ले लिया जाए, ओला S1 Pro। कलर कितना प्यारा है पार्टी, कलर कितना प्यारा है इसका, फ्रीडम एडिशन। अपन ये तला भाई के पास ले आया हूँ, वहाँ तो हो नहीं पाई है। अभी देखो यहाँ देखते हैं क्या होता है, वरना फिर इसको कंपनी लेके जाता हूँ फिर मैं। ये भी एकदम 100 पे जाके चिपका है एकदम, ज्यादा उम्मीद तो दी गया है इसका। ये हम आ गए इनफील्ड के शोरूम पे, यहाँ खड़ी हैं क्लासिक साइंस से, और उधर पीछे हंटर वगैरह हिमालयन वगैरह सारी खड़ी हैं। अब मालूम करते हैं यहाँ मिटियोर 350 का क्या ज़बरदस्त कलर है, एकदम क्रूजर सी लग रही है ये तो। रेड अच्छी लेकिन सेट कलर ये लग रहा है इस वक्त इसका, पहली बार देखा है भाई मैंने तो ये वाला कलर इनफील्ड में। आज तो भैया भरमार हुई हुई है इनफील्ड इनफील्ड की। शोरूम जो है ये कबीर सिंह में, ये वाला तकरीबन ये मॉडल था इनफील्ड का, लेकिन वो थोड़ी पुरानी वाली थी। ये तो खैर लेटेस्ट मॉडल है इन क्लासिक का, 350 का लेटेस्ट मॉडल है ये वाले। इतने खड़े हैं लाइन से, सारे कलर्स हैं, सारे रेड, ब्लूइश, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक स्टैंडर्ड टाइप में है ये। ये भी अच्छी लग रही है यार। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं इस साइड, मतलब रॉयल इनफील्ड का वर्कशॉप इधर है अंदर आके कॉलोनी के, तो वर्कशॉप पे जा रहे हैं मेनली। शोरूम पे तो कुछ हमारा काम होता नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि भाई वहाँ जाओ वर्कशॉप पे। तो अभी जा रहा हूँ अंदर, देखता हूँ कितना है क्या है, चल के पता चले। तो गाइस हमारी थंडरबर्ड का काम तो नहीं हो पाया, इसका मीटर जो है बैटरी पड़ने की वजह से इसके मीटर के जो सेंसर है वो फूक गया है। तो अभी मैं गया था वर्कशॉप, तो वहाँ पे बताया इसके 7,000 रुपये लगेंगे इसमें। भैया इतने तो नहीं लगवाऊँगा, लेकिन एक तो असली दिल्ली में करोल बाग में क्या है, इसका मीटर जो है वो सही हो सकता है। 1,000 रुपये 800 खर्चा आएगा, लेकिन हो सकता है वो ठीक। तो यही प्लान है, कल तो यार दिल्ली जाने का है ही, तो बाइक को ले जाते हैं और करोल बाग में दिखाते हैं हमने जो भी मामला है, क्योंकि भाई ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। 7,000 तो बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। चलो चलते हैं फिर, बाइक खड़ी करते हैं मामू के, अपनी बाइक उठाते हैं फिर निकलेंगे घर की ओर।
एनफील्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है भाई। इसकी हैंडलिंग, इसकी पावर अल्टीमेट है भाई, अलग लेवल की। मतलब रेस दो और जो रॉकेट होती है ना, मतलब देख रहे हो, ये पावर जो है ना नॉर्मल बाइक्स में नहीं होती है। या तो फिर बाइक नई हो या फिर हो तो एनफील्ड लो, है कर रही बात। ये वाला सीन हुआ इसके अंदर। अब मैं समझा कि लोग जो हैं लद्दाख या मनाली, मतलब लॉन्ग टूर पे जाते हैं, वो इनफील्ड क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि भाई कंफर्टेबल और पावर में एक नंबर बाइक होती है। अगर इसमें क्रूजिंग दे दे, अरे गजा हो जाए। इस प्राइस सेगमेंट में क्रूजिंग दे नहीं सकते ये लोग, क्योंकि भाई क्रूजिंग वाला फीचर महंगी बाइक में आता है। वैसे भी यार महंगी तो ये भी हो गई है, 2.5 लाख रुपये की आ रही है, क्या कम है, बहुत ज़्यादा प्राइस है। अगर क्रूजिंग दे दे, ले ले भाई 20-25 हज़ार रुपये और ले लो, लेकिन क्रूजिंग डाल दो, अरे क्या मज़ा आ जाएगा भाई क्रूजिंग डालते ही। एक और फीचर ऐड होगा हैंडल पे, और चीज़ ऐड होगी तो और थोड़ा भरा भरा सा हो जाएगा, तो चाहिए भाई, क्योंकि एनफील्ड के हिसाब से बहुत खाली हैंडल है। किल स्विच हो गया, इंडिकेटर, लाइट, बस हॉर्न और कुछ नहीं है। चलो आपसे मिलते हैं सीधे फिर रेनबो में, बात करते हैं जो भी है। और ये रही अपनी गाड़ी, चलो चलते हैं। गाइस एनफील्ड आने के बाद ना अपनी गाड़ी तो बड़ी हल्की और बहुत छोटी सी लग रही है। अभी इसको दौड़ाने में मजा आएगा, क्योंकि हल्की सी लग रही है, महसूस हो रही है ना, वाइब्रेशन आ रही है उसमें भाई, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। ड्रॉबैक उसका मैंने एनफील्ड का ये देखा है भाई, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी बाइक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नवी जो आई थी एक बाइक वो चला रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसा ऐसा लग रहा है स्मूथ, ना आवाज़, ना शोर, ना वाइब्रेशन, सबसे बढ़िया बात। यार ये जिसने बैटरी पड़वाई है ना बाइक में, उसने बिना देखे पड़वा दी। बैटरी से क्या हुआ कि मीटर जो था उसका सेंसर शॉर्ट हो गया। अगर बाइक ऑन रहे और मीटर डल रहा और बैटरी डल रही है, ये तब होता है कि आपकी बाइक ऑन है, आपने बैटरी पड़वाई बिना देखे, उससे हो जाता है मीटर शॉर्ट, यानी कि मीटर का सेंसर शॉर्ट। अब 7-8 हज़ार रुपये खर्चा बता दिया भैया, दिमाग ख़राब हो गया। तो गाइज थंडरबर्ड का हमारी उसका काम तो हो नहीं पाया, क्योंकि उसका मीटर के सेंसर जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब वो चेंज होंगे तभी मीटर काम कर पाएगा। हुआ ये एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो, जब बैटरी उसकी लग रही थी कल, जब लगी होगी तो जो बाइक ऑन और ऑफ होता है तो वो ऑन रह गया। उससे क्या हुआ, जब बैटरी लगी सारा करंट पास हुआ, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेंसिटिव चीज़ होती है वो सबसे पहले फूकी। क्या सेंसर्स जो होते हैं, सबसे पहले से सेंसर्स फूके, सबसे सेंसिटिव सेंसर होता है मीटर का। तो आप लोग भी ना ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब बैटरी लगे बाइक में तो बाइक ऑफ होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। चेक वेक जो है बाद में लगने के बाद आराम से करना, ठीक। तो यही चीज़ थी। अब बाकी यह है, मैंने एक जगह कॉल करी है तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटराइज उसको चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट फॉल्ट को, उस फॉल्ट को सही कर देते हैं 1000-1200 रुपये में। तो इतने 7-8 हज़ार 6 हज़ार रुपये उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है, कल गाड़ी को वहाँ लेके जाया जाएगा या फिर दिल्ली जाके सीधे दिखाया जाएगा करोल बाग में, या देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सब मिलेगा कल के व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस, आप लोग मेरी इस वीडियो करना लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब, और कल का व्लॉग ज़रूर देखना क्या क्या चीज़ें नई नई होने वाली हैं, ठीक है। चलो आप लोगों से मिलता हूँ मैं कल, ख्याल रखो अपना, बाय गाइस। I see you rolling up over black.